MCM DAV College महिला कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में आकर मुझे यदि मैं कहूं कि बहुत प्रसन्नता हो रही है तो शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आप सब लोग, मेरी और जितने भी यहां पर अतिथि उपस्थित हैं, उन सब की बॉडी लैंग्वेज से आप भांप सकते हैं कि वाकई में हमें प्रसन्नता है या नहीं। महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश स्वर्गीय मेहर चंद महाजन के सहयोग से स्थापित यह कॉलेज बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज का दिन इस कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती शकुंतला राय और श्रीमती स्नेह महाजन की सेवाओं को भी याद करने का दिन है। संयोग से मेहर चंद महाजन जी की सुपुत्री श्रीमती स्नेह महाजन आज हम सबके बीच में बैठी हुई हैं। इस अवसर पर मैं कॉलेज की प्रबंध समिति, प्राचार्य, संकाय सदस्यों, स्टाफ के सदस्यों, पूर्व शिक्षकों के साथ साथ, जिनकी बहुत बड़ी लंबी संख्या है, जिसका उल्लेख सूरी जी ने किया, साथ साथ वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं उन तिथियों को याद कर रहा था जब स्वर्गीय मेहर चंद महाजन जी को कश्मीर के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी का दायित्व मिला। वो तारीख थी 5 अक्टूबर 1947, और जब ये निर्णय लेने की बात आई कि आखिर कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ होना है या पाकिस्तान के साथ, किधर जाएगा, तो उस समय उन्होंने जो एक निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी की हैसियत से कि इसका विलय हिंदुस्तान में होगा, लेकिन ये विलय केवल विलय करने का जो निर्णय था वो उनका मात्र 12 दिनों का था। 12 दिन बहुत कम समय होता, और उसके पीछे एक ही भावना उनकी हो सकती है, केवल और केवल राष्ट्रीय प्रेम। उस राष्ट्रीय भक्ति की जो भावना थी, आज मैं उसको बार बार सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हम सब लोगों ने एक शपथ ली है अंगदान की, और मैं एक ही बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि शपथ के साथ साथ यदि वाकई में हमें एक लिखित संकल्प पत्र और भी ले लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। कहीं न कहीं मन से भी हमें प्रेरित होना चाहिए, और उसके लिए मुझे लगता है वी नीड मोर एंड मोर कन्विक्शन। उसके लिए मैं फिर कहूँगा कि जितनी भी आज सब लोगों ने शपथ ली है, एक बार इसका अगर रिफ्रेशर कोर्स हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब तक हम मन से संकल्प नहीं लेते हैं तब तक ये ऊपर ऊपर ही रहता है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम कभी कभी हम भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित कर लेते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं और वाकई में वो डेडिकेटेड लोग हैं, आते हैं, शपथ लेते हैं। लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर जोर देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे जब किया जाए या इस प्रकार के कार्यक्रम कभी भी किए जाए या आज भी जो किया गया है उसको लेट अस मेक इट मोर इफेक्टिव। भारत के राष्ट्रपति के रूप में दायित्व संभालने के बाद ली कोर बूजर द्वारा डिज़ाइन किए गए शहर में मेरी ये पहली यात्रा है।
चंडीगढ़ आजाद भारत की पहली प्लान्ड सिटी है। नगर नियोजन के मामले में चंडीगढ़ एक उदाहरण पेश करता है। यह है हरित भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की एक मिसाल है। इसके वर्तमान स्वरूप में यहाँ के नागरिकों का बहुमूल्य योगदान है। यहाँ के जागरूक नागरिकों और प्रशासकों के योगदान के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इस शहर ने रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की है, जिसकी मिसाल है नेकचंद का रॉक गार्डन। इसके पीछे इस नगर के योजनाकारों की दूरदृष्टि का योगदान है। शुरुआत से ही यहाँ रीसाइक्लिंग, रीयूज, रीजुविनेशन पर ध्यान दिया गया है। शहरों में पैदा हो रहे कचरे का, बची खुची चीज़ों का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने में भी चंडीगढ़ ने पहल की है। यह कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा संस्थानों में से एक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी में ही समझ लिया था कि शिक्षा और सामाजिक सुधार किसी समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का सशक्त माध्यम होता है। सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज यानी कि आचरण से और विचारों से श्रेष्ठ जनों का समाज। वे महिला सशक्तिकरण को बहुत महत्व देते थे, इसीलिए उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए कन्या विद्यालयों की स्थापना की। यही विद्यालय आगे चलकर डीएवी शिक्षा संस्थानों का आधार बने। डीएवी की शिक्षा पद्धति में विरासत और आधुनिकता का, ज्ञान और विज्ञान का, अंग्रेजी और हिंदी का, भारतीय ज्ञान परंपरा और पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अद्भुत मिश्रण है। इसी शिक्षा पद्धति ने भारत रत्न से अलंकृत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रखर व्यक्तित्व देश को दिया। मुझे भी संयोग से कानपुर के डीएवी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। देवियों और सज्जनों, किसी समाज का विकास सही मायनों में तभी होता है जब उस समाज की महिलाएं सशक्त हों और शिक्षित हों। एक शिक्षित बेटी कम से कम दो परिवारों को शिक्षा और ज्ञान के महत्व से अवगत कराती है। वह अपने परिवार के भविष्य की बेहतर देखभाल करती है और भावी पीढ़ी को भी सुशिक्षित करती है। चाहे संस्कृति, कला या खेल कूद का क्षेत्र हो या फिर व्यापार और उद्योग का, हमारी बेटियों ने देश का नाम हर क्षेत्र में रोशन किया है। इसी श्रृंखला में चंडीगढ़ की हमारी वर्तमान सांसद श्रीमती किरण खेर ने भी सिने जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई। लेकिन ये सूची यहीं समाप्त नहीं हो रही है। अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली चंडीगढ़ की बेटियों के नामों की एक लंबी सूची है, लेकिन यदि मुझे केवल एक नाम लेना हो तो सबसे पहले मैं नीरजा भनोट का नाम लेना चाहूँगा। ।1986 में अपनी बहादुरी से आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करते हुए नीरजा ने 359 हवाई यात्रियों की जान बचाई थी। अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाने वाली ऐसी बहादुर बेटी पर चंडीगढ़ को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है। पढ़ लिख कर बेटियाँ आज नौकरियों में अपने कौशल का प्रयोग कर रही हैं, हालांकि संगठित क्षेत्र में उनका प्रतिशत कुछ कम है। ये समय टेक्नोलॉजी का
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और सर्विस सेक्टर का समय है। चंडीगढ़ में आईटी और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाया गया है। आईटी क्षेत्रों में बेटियों की संख्या पिछले सालों में काफ़ी बढ़ी है। इसी प्रकार से उच्चतर शिक्षा में भी बालिकाओं का नामांकन 2015-16 में लगभग 46% तक हो गया है, लेकिन प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उनका प्रतिशत अभी भी तुलनात्मक दृष्टि से कम है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉलेज जैसे संस्थानों और समाज के संयुक्त प्रयासों से इन क्षेत्रों में भी हमारी बेटियां और आगे बढ़ेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, यह आवश्यक है कि आप सब विद्यार्थी गण देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझें, अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ें। ऐसे सामंजस्य के बल पर ही हम एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। इसलिए इस महाविद्यालय के हर विद्यार्थी का यह प्रयास होना चाहिए कि उसके ज्ञान का उपयोग देश के लिए हो और समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति की बेहतरी के लिए हो। देवी और सज्जनों, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को जीवन भर हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, आज हम सबके सामने ये विचारणीय विषय है। मेरी छोटी सी समझ से मैं कह सकता हूँ कि यदि माता पिता और परिवारीजन बेटियों को खुले में जीने की आज़ादी देंगे, उनको वैचारिक और सामाजिक स्वतंत्रता देंगे, उनको नए नए क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे नई बुलंदियों को छुएंगी। अभी पिछले सप्ताह फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले ही फाइटर प्लेन उड़ाकर भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। हरियाणा की फोगाट बहनों ने भी यही दर्शाया है कि कोई भी क्षेत्र बेटियों के लिए टैबू नहीं होता। पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल और अरुणा रेड्डी के माता पिता ने यदि उन्हें आज़ादी न दी होती, एक्सपोजर न दिया होता, प्रोत्साहन न दिया होता, तो वो शायद देश के लिए इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारियां भी खूब होती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां उनके रास्ते की अड़चन नहीं बननी चाहिए। ऐसा उदाहरण मणिपुर की मेरी कॉम ने पेश किया। हम सब लोग जानते हैं वो हमारी शादीशुदा बेटी है, परिवार है उसका। उसने पारिवारिक जीवन में प्रवेश के बाद भी बॉक्सिंग के खेल में शामिल होना और जीतना कभी बंद नहीं किया। वे हर भारतीय महिला के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। MCM कॉलेज ने इन 5 दशकों में उत्तर भारत में महिला शिक्षा में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र के एक आदर्श कॉलेज के रूप में ये आगे भी ऐसा ही योगदान देता रहेगा। उम्मीद है कि आने वाले 50 वर्षों के बाद जब इस कॉलेज का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, तो कॉलेज का नाम भारत के शैक्षिक मानचित्र पर प्रभावशाली रूप से अंकित होगा। MCM DAV महिला कॉलेज नित नई ऊंचाइयां हासिल करे, इसके लिए मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।